लास्ट क्लास में हमने एक्सट्रूड किया था, इंसर्ट एज किया था एंड बूलियन किया था। मॉडल नंबर याद है चेयर का? ये अलग हम 17 का देखो क्या करना, फ्रंट व्यू में आना। फ्रंट व्यू में यहां से कर्व ड्रॉ कर सकते हो, शेप देख लेना कैसी है। अब यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हो, मान लो ऐसी शेप बना ली। और ध्यान रखना वर्टेक्स का ना प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, टेढ़े मेढ़े ना हो। इतना बनाने के बाद दूसरे व्यू में, ये फ्रंट में बनाया था वो राइट में बनाना बेटा। नेक्स्ट टाइम से ना टाइम पे होने चाहिए। यहाँ पर सर्कल लो, सर्कल के अंदर अभी जो वर्टेक्स होंगे बड़े कम होंगे। 5 मिनट दो बस, अभी आता है। इस सर्कल के अंदर वर्टेक्स ना बहुत कम होंगे, तो यहां पे वर्टेक्स बढ़ाने के लिए सर्कल के अंदर आता है सेक्शन। नियर अबाउट 14-15 कर दो। अब राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में आओगे तो बहुत सारे वर्टेक्स मिल रहे हैं आपको। हाँ मेन आपको ओवल शेप बनानी है। अब आपके पास दो शेप होगी, एक तो ये वाली और एक पाथ। तो दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करना। और मैंने आपको बताया था एक्सट्रूड, दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करना। मैंने आपको बताया था एक्सट्रूड, इसमें ये दोनों ऑप्शन ऑन करने को कहा था, ऑन कर लेना एंड अप्लाई। तो बन गया आपका वो वाला एरिया। ब्लैक आ रहा है, तो ब्लैक आ रहा है तो मैंने आपको कहा था लाइटिंग के अंदर 2 साइड लाइटिंग ऑन कर लेना। कोई डाउट किसी को? तो ये वाला एरिया, सारे ये वाले एरिया, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी एक्सट्रूड से बनाना है। पाथ बना के, शेप बना के, एक्सट्रूड। और कोई डाउट हो किसी को इसमें? और कोई डाउट किसके? देखो आज दूसरे टाइप का सोफा बनवाता हूँ मैं आपसे, और उसमें एजेस अगर आपको शार्प करने हो तो कैसे करने ये देखना। देखो 3 प्रेस करने पे मैंने बताया था आपको स्मूथ हो जाता है, और आपको इसके सेगमेंट ना शार्प करने हैं। इसके लिए क्या करना, इसके जो सेगमेंट्स हैं डबल क्लिक से लूप सिलेक्ट हो जाता है। शार्प करने के लिए क्या करना, इसके जो सेगमेंट है सेलेक्ट कर लेना और करा देना बेवल। बेवल क्या करता है, ओपन कर देता है। अमाउंट कम करके, अमाउंट कम कर देना और सेगमेंट थोड़े बढ़ा देना। तो देखो क्या हुआ, राउंड हो गया। मैंने क्या किया, बेवल लिया, विड्थ कम कर दी, सेगमेंट 2 या 3 मान लो 3 डाल देते, और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा।
F3 प्रेस करोगे तो ये एरिया शार्प आएगा, आ रहा है ना शार्प। तो सेगमेंट का होना जरूरी है शार्पनेस के लिए। आज हम दूसरे टाइप का सोफा बना रहे हैं जिसमें कुशनिंग होती है, बॉक्सेस बने होते हैं। दिखाता हूँ किस टाइप का सोफा बना रहे हैं। इस टाइप का जो बेड है, इस टाइप का सोफा बना रहे कुशनिंग वाला। तो मेरे को इसमें उतने सेगमेंट डालने हैं जितने आपको बॉक्सेस चाहिए हो। मान लो आपको यहाँ पे चार चाहिए तो चार डालना, और आपको ऐसे कितने चाहिए, ऐसे मान लो आपको सेम गैप रखना, जो यहाँ गैप रखा है ना उतना ही हाइट में। एक बहुत सारे हो गए सेगमेंट, मतलब मुझे सेक्शन बनाने। कुशनिंग के लिए आपको देखो बॉक्सेस चाहिए, जैसे इसमें बॉक्स है, ये बॉक्स है एक, तो वैसे इसमें भी मैंने बॉक्स रखा है। अब मुझे क्या चाहिए, बीच में गैप चाहिए। तो जो आपके एजिस है ना वही सेम बेवल करो जो उसमें किया था, डबल क्लिक, शिफ्ट के साथ डबल क्लिक कर रहा हूं तो मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है। बेवल कर दो उसको, बेवल से क्या होगा एक सेगमेंट दो में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा गैप कर दो, मतलब बीच में गैप चाहिए था इसलिए मैंने उसको बेवल कर दिया। समझ आया, सारे लूप को मैंने बेवल करा दिया। इसके बाद बेवल कराने के बाद मुझे सब में इक्वली सेगमेंट चाहिए ताकि सॉफ्ट सिलेक्शन कर सके। तो उसके लिए लेना इंसर्ट एज लूप मल्टीपल, मैं चाहता हूँ मल्टीपल एक बारी में पांच आ जाए या छह आ जाए। हर गैप में छह छह सेगमेंट डाल दो। सेगमेंट ज्यादा होंगे तो कुशनिंग अच्छी बनेगी। हर एक्सिस में, समझ आया। अब वही सॉफ्ट सिलेक्शन यूज करो जो हर बार यूज करते आए हैं। बी से ऑन ऑफ होता है, चाहे यहां से ऑन ऑफ करो बी से करो। देखो कुशनिंग के लिए आराम से उठ रहा है। आप इकट्ठा भी सेलेक्ट कर सकते हो, सबके बीच के पॉलीगन्स इकट्ठे सेलेक्ट कर लो। कौन सी की से होते हैं इकट्ठे सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ। बी से देखो इकट्ठे हो रहे हैं ना। अब ऐसे ही ऊपर
सबके बीच वाला, उठा दो। क्यों ऐसा हो रहा है? सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन नहीं है, बीच का एक इसका रह गया। ठीक है, अब इसकी कॉपी, कंट्रोल डी से कॉपी। कॉपी पीछे लगानी है, समझ आया? अब एक ना फ्लो बना लेते हैं इसके लिए। तकिया कैसे बनाओगे? तकिया एक बॉक्स लेना, छोटा सा, हाइट में कम, सेगमेंट्स बढ़ा लो उसमें। बेटा सत्यम, बीच का पोली पकड़ा, उठा दिया। ऐसे इसके भी बीच का पकड़ा, उठा दिया। ऐसे बीच में से दबा हुआ होता पिलो। सॉफ्ट सिलेक्शन का बहुत फायदा है, देखो अपने आप शेप बन रही है कर्वी, समझ आ रहा है? प्रेस थ्री। अब इस तकिए को बेड पे लगाओ, सोफे पे लगाओ, कहीं भी लगाओ। कोई डाउट? समझ आया? तो क्या करो, आज ये सोफा बनाओ।